गाइस वेलकम टू रहमान ब्लॉग्स। आज हम लोग जा रहे हैं अपनी बाइक की डिलीवरी लेने। आज थोड़ा मौसम खराब हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कैसे होता है। हवा विंड नॉइज बहुत आ रहा है। बाकी अभी चलते हैं शोरूम और शोरूम जाके अब मैं आपको दिखाऊंगा, फिर बाइक की डिलीवरी लेंगे। तो वीडियो से जुड़े रहिएगा, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। तो हम शोरूम आ चुके हैं और हम जा रहे हैं ऊपर। और भाई ठीक, कौन सी बाइक थी वो? बुलेट जेट ब्लैक टीएस। क्या बात है? बोला ना हमारी बात है। बैठो भाई। तो अब हम स्टॉक यार्ड में आए हैं और अब हम बाइक देखेंगे, फिर सिलेक्ट करके नीचे लेके जाएंगे और फिर काम होगा, उसमें बैटरी लगेगी जो भी होगा। ये खड़ी है एक तो यहाँ पर, और ये तो कस्टमर की है। अच्छा 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 ठीक ठीक है, वो तो पापा सोल्ड है। इधर खड़ी है एक, अच्छा एक ये खड़ी है। ये साफ हो जाएगी। इस पे पेंट गिरा हुआ है ये? नहीं ये ऐसे ही है, साफ हो जाएगा। पेंट है भाई ये? नहीं पेंट नहीं है। बताओ भाई। और एक नीचे खड़ी है, वो थोड़ी साफ होगी वैसे इससे। चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं। नहीं तो कर लो वैसे, जब स्टार्ट वो तो बैटरी डलेगी जब होगी ना पापा, वो तो जब पीडीआई करेंगे हम लेने से पहले पूरा, वो तो जब होगा ना। अभी तो एक एक ही खड़ी है, एक नीचे खड़ी कह रहा है। नीचे वाले में क्या बताना क्या है? कुछ नहीं, हम नीचे चल के देख रहे हैं बस। हाँ ये गंदी हो रही है, साफ तो हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिट्टी है बाबा यहाँ पर, उसकी वजह से है। मैं वीडियो को जितना हो सकता है उतना इसको एज अ नॉर्मल रख रहा हूँ, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं लगा रहा कि मैं इसमें ये कर रहा हूँ कर रहा हूँ। जितना हो सकता है मैं नॉर्मल वीडियो बना रहा हूँ, जैसे हम नॉर्मली जाते हैं बाइक लेने। तो अगर आप लोगों को ये बोरिंग लग रहा हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, फिर मैं इसको भी ठीक करूँगा। एक किलोमीटर चली हुई है, 1.3 है बाबा, 1.3। तो अब गाड़ी की पीडीआई कर रहे हैं हम लोग और देखते हैं गाड़ी में ये है। तो जो नीचे खड़ी हुई थी उसमें ये एक निशान है और ये काफ़ी गहरा निशान है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। इनके पास दो ही खड़ी हैं इस कलर की, अब दूसरी लेके आ रहे हैं ऊपर से वो, तो देखते हैं दूसरी वाली में निशान नहीं होता है फिर वही लेंगे। बाकी अब आती है, वेट कर रहे हैं हम लोग। अब नीचे जा रहे हैं इनका, नीचे यहाँ पे बाइक रेडी होती हैं सारी। तो जो ऊपर से हमने उतरवाई थी जिसपे थोड़े पेंट वेंट के निशान थे जो भी था, अब ये वही वाली बाइक रेडी कर रहे हैं, उसको साफ़ कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं, इनके पास नीचे भी काफ़ी सारी बाइक्स खड़ी हैं, तो अब ये रेडी करेंगे और फिर इसको ऊपर लेके आएंगे। तो अब हम इनको काम करने देते हैं, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो अब ये इन्होंने दूसरी वाली बाइक रेडी कर दी है और अब मैं इसकी पीडीआई कर रहा हूँ। तो इसमें तो मुझे एज सच कोई भी मेजर या माइनर कुछ भी नहीं मिला, तो फिर ये गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, फिर हम लोगों ने इसी को फाइनल करा। बाकी आप लोग वीडियो देखिए, मैं इसकी पूरी पीडीआई करूँगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे। वैसे तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर भी मैंने थोड़ा ट्राई किया है और थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स लेने की कोशिश करी है,
तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये शॉर्ट्स कैसे लगे। तो अब आप शॉर्ट्स एंजॉय करिए। इधर हम लोग बाइक लेने आए हैं और इधर बारिश हो रही है, सब बारिश ही बारिश होई जा रही है। अब ये पता नहीं बारिश कब रुकेगी, फिर हम लोग लेके निकलेंगे बाइक। तो हम लोगों ने इनसे एक मॉडल वाली बाइक भी ली है। अभी थोड़े टाइम बाद हमारी गाड़ी भी आने वाली है, तो हमने सोचा है कि उसमें बुलेट रखी होनी चाहिए। तो हमने एक इनसे मॉडल वाली बाइक भी ली है, जो कि डाईकास्ट मॉडल है हमारी ही क्लासिक का, जो इन्होंने 1499 की दी, लगभग 1500 की थी, वो भी ले ली हमने इनसे। अब बस निकलने की तैयारी है, पेमेंट तो हो चुकी है, मम्मी पापा ज़रा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो चलिए भाइयों से पूछते हैं। तो भाइयों पेमेंट पूरी हो गई है, बस तैयारी है निकलने की। कुछ बोलोगे तुम? कुछ बोल दो भाई। हाँ बस बारिश रुक गई है ना, बस अब निकल रहे हैं, निकलने की तैयारी है। तुम्हारी तो R15 पूरी भीग गई होगी भाई, धुल गई। बस मम्मी पापा ने पेमेंट कर दी है, अब निकलेंगे बस। तो इतनी देर कहने के बाद रॉयल इनफील्ड की एक कॉफ़ी आई है, ये 2,40,000 रुपये की 3 कॉफ़ी। शॉर्ट्स भाई कैसे हैं शॉर्ट्स? बहुत बढ़िया हैं शॉर्ट्स। एक ही सिप में ख़त्म। चलो कोई नहीं, ये कॉफ़ी भी याद रहेगी। तो ये सलमान भाई अपनी बाइक चमका रहे हैं थोड़ी सी, ज़रा देखें इनकी कौन सी है भाई, क्या है दिखाओ भाई कौन सी है तुम्हारी। लाओ भाई अपनी लिया है। अच्छा जी, एक लॉन्ग रूट के लिए भाई रॉयल एनफील्ड ले रहा है, तो एक आस पास के लिए हम भी R15। हाँ नहीं सही है भाई, R15 भी बढ़िया गाड़ी है, स्पोर्ट्स बाइक है भाई। गियर बैग कितने का वाला है? पहले नीचे बाकी ऊपर है, हम नीचे लोगे। और इसी के साथ भाई के ये भाई अब हमारी इसका चेसी नंबर ले रहे हैं गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए। और नंबर मैंने इसका आपको बताया था पहले भी कि नंबर मैं इसका खुद फैंसी नंबर लिया है, और वो नंबर आपको बहुत जल्दी मैं दिखाऊंगा। फैंसी तो नहीं कहूंगा, लेकिन बस मेरे लिए एक लकी नंबर है, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट कार का वही नंबर था। तो आधे से ज़्यादा लोग तो समझ गए होंगे, बाकी जो नहीं समझे वो मैं आपको बाद में बताऊँगा जब इसकी नंबर प्लेट आएगी। तो अभी देखते हैं फिर इसकी क्या प्रोसेस है आगे। अब डिलीवरी स्टार्ट हो रही है, बस केक आ गया है और अब रिबन लग रहा है, उसके बाद अब निकलने की तैयारी है। बारिश भी रुक गई है, तो चलिए अब आगे प्रोसेस को करते हैं और फिर निकलते हैं अपनी बाइक लेके। नहीं पापा, हमारी तो जो मैंने नंबर लिया ऑनलाइन उसमें रजिस्टर्ड हो गई, ये तो टेम्परेरी नंबर लगाया ना इन्होंने। तो गाइज़ आपको आने वाली वीडियो में पता लगेगा मैंने क्या नंबर लिया है, मैंने नंबर भी इसका अपना चॉइस का ही लिया है, कोई VIP नंबर नहीं है, बस समझ लो आपके हमारी गाड़ी से रिलेटेड है, जो हमारे पास पहले स्कॉर्पियो थी। तो ये हमारे मम्मी पापा हैं, इनकी एक फ़ोटो लेता हूँ फिर मैं आता हूँ। अब केक कटिंग की प्रोसेस शुरू हो रही है और ये हमारी बहन आ गई हैं, ये देख लो सबसे लेट। ये कैंडल लगा रहे हैं। आ जाओ सलम भाई। मुझे अपना आईफोन दे यार जल्दी।
केक कटिंग हो गई है, अब फटाफट गाड़ी की डिलीवरी लेते हैं और चलते हैं। भाई साहब थैंक यू आपका आने के लिए, बहुत बहुत मिलते हैं जल्दी भाई। ओके बाइक अब हमारी हो चुकी है फाइनली, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी बाइक चलाने की, बस अब वो मोमेंट आ गया है, ये बाइक अब हमारी है, अब हम इसको घर ले जा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और घर की तरफ चलते हैं, और रास्ते के थोड़े आप शॉर्ट्स इन्जॉय करिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कलर कैसा लगा बाइक का आप लोगों को, और मेरा ये सरप्राइज़ कैसा लगा। आने वाली वीडियोस और इंटरेस्टिंग होंगी जब हम लोग स्कॉर्पियो के लिए या फिर जो भी एक्सयूवी हम जो भी गाड़ी चूज़ करेंगे। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, अब रास्ते की शॉर्ट्स आप इन्जॉय करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग रहमान।